हेलो स्टूडेंट्स, सो इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड वी हैड लर्नड डिफरेंट क्लासिफिकेशन. यू नो एल्काइल हैलाइड कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन. आपको पता है जैसे कि कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं, और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन को हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं. ठीक है, एंड सो ऑन. फिर इसके बाद हम लोगों ने ये सीखा बच्चों कि हाइड्रोजन जो है वो sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन से भी अटैच्ड हो सकते हैं. इस टाइप से भी क्लासिफिकेशन हो सकता है. और जब हैलोजन sp कार्बन sp2 कार्बन एंड sp3 कार्बन से जुड़ा होता है तो वहाँ पर बॉन्ड का, कार्बन हैलोजन बॉन्ड का डिफरेंट नेचर होता है. ठीक है, जैसे कि sp कार्बन में यू कैन सी लाइक दिस, एंड दिस इज़ अ sp कार्बन. ऑल्दो ये बहुत ही रेयर होता है बच्चों, sp2 कार्बन का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैंने बताया था. यू नो दिस इज़ द sp2 कार्बन और यहाँ पर मैंने हैलोजन एक्स ले लिया. एंड sp3 कार्बन में वी कैन राइट ऑल दिस स्ट्रक्चर. sp3 कार्बन अगेन, ये भी sp3 कार्बन से अटैच्ड है. दिस कार्बन इज sp3. सो sp2 कार्बन में मैंने बताया था कि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, देयर इज अ कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस लोन पेयर. करेक्ट, इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. आपको पता है रेजोनेंस कैसे होता है कि ये पी ऑर्बिटल जो है CH और यहाँ पे जो लोन पेयर है पी ऑर्बिटल में, ये आपस में क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं. इससे क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट होते हैं. ठीक है, सो इसका रेजोनेंस मैंने ड्रॉ किया था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड X प्लस एंड माइनस. ठीक है, सो ये भी हमने कल सीखा था. फिर मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड. वन मोर थिंग बच्चों, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइल ग्रुप. ओके, दिस इज़ विनाइल ग्रुप. एंड एक मैंने ग्रुप और बताया था CH2. इस कार्बन का नाम क्या होता है, एलाइल कार्बन. इस पूरे ग्रुप का नाम क्या होता है, एलाइल ग्रुप. राइट, लाइक दिस. सो व्हाट इज़ वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड. बहुत ही सिंपलेस्ट डिफरेंस क्या हो सकता है, तो मैंने कहा था कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं इसमें हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, और जो एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड का मतलब बेंजीन रिंग को एराइल कहते हैं और इस पे हैलोजन जुड़ा है एंड दिस कार्बन इज sp2. सो इन एराइल हैलाइड हैलोजन इज अटैच टू sp2 कार्बन. दिस इज द बेसिक डिफरेंस, सिंपलेस्ट डिफरेंस बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड. ओके, इसकी वजह से होता क्या है बच्चों, वो भी हम देख लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है जब sp3 कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है और sp2 कार्बन से हैलोजन अटैच्ड होता है. ठीक है, सो नंबर वन डिफरेंस है, मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, दिस इज CH2X एल्काइल हैलाइड sp3 एंड X sp2 राइट एराइल हैलाइड. सो द फर्स्ट डिफरेंस क्या है, CX बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड एक्वायर डबल बॉन्ड करेक्टर
डबल बॉन्ड कनेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस, एक तो ये बेसिक डिफरेंस है कैसे रेजोनेंस होता है। रिमेंबर दिस एक्स हैज लोन पेयर, सो लोन पेयर को हम नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं एंड इस पाई बॉन्ड को मैं इस साइड तोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव, और ये लोन पेयर पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड। प्लीज़ 11th क्लास का आप रेजोनेंस एक बार रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, सो सी डबल बॉन्ड करेक्टर इज डेवलप्ड। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है कि डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, सो सी एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ इन एराइल हैलाइड इज मोर देन एल्काइल हैलाइड, करेक्ट। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, मीन्स इसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। हैंस मोर बॉन्ड एनर्जी, क्लियर है एकदम। थर्ड पॉइंट क्या है, इससे क्या होगा, सो सी एक्स बॉन्ड लेंथ इन एराइल हैलाइड इज शॉर्टर देन एल्काइल हैलाइड, ओके, करेक्ट। सो दी आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्काइल हैलाइड व्हेन हियर हैलोजन अटैच टू sp3 कार्बन एंड sp2 कार्बन, ये डिफरेंस है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में, सो यू कैन रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। और हमने क्या सीखा था बच्चों, अच्छा इन द लास्ट हम लोग आई पैक कर रहे थे, आज लिटिल बिट हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे इन हेलो एल्केन्स, राइट। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। इन हेलो एल्केन्स ओके, बच्चों हेलो एल्केन्स में इन जनरल दो आइसोमेरिज्म बहुत फेमस हैं, एक चेन आइसोमेरिज्म एंड दूसरा पोजीशन, चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स आप समझते हो, जैसे कि कार्बन चेन्स जो है वो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, टू आर मोर देन टू आइसोमर्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट कार्बन चेन, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है चेन आइसोमर्स, तो चेन आइसोमर्स में कार्बन चेन डिफरेंट होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ए CH3 CH2 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 Cl, ओके, इसका नाम क्या बच्चों, 1-chloro-butane एंड सेकेंड CH3 CH CH3 and CH2 Cl, इसका नेम क्या है, 1-2-3, सो 1-chloro-2-methyl-propane, ये इसका नेम है। सो यू कैन सी कि टोटल कार्बन कितने यहाँ पे 4, यहाँ पर भी कितने 4, दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला क्या आएगा, सी 4 कार्बन है एंड टोटल हाइड्रोजन 9 है, तो C4H9Cl, ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है बच्चों, ठीक है। सो अगर मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है तो दे कैन बी आइसोमर्स। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर कार्बन चेन 4 की है और यहाँ पर कार्बन चेन 3 की है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल 2 में लूँ बच्चों, देखो ध्यान से, दिस इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एंड
अगर मैं इस तरह बनाता हूँ Cl यहाँ पर और CH3 ऐसे लगा देता हूँ, आप इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे। देखो ये टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन इसमें भी और इसमें भी, करेक्ट। एंड टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, तो यू कैन सी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अगेन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 टोटल कितने हो गए 10, और यहाँ पर कितना है 1, राइट। तो C6H11Cl, दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला, राइट। सो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, सो वी कैन से दे आर चेन आइसोमर्स, बट बेटर वर्ड यहाँ पे इसको आप ऐसे बोल सकते हो रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर, लाइक दैट, क्लियर है। एंड लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। क्या नाम है इसका, 1,2-dichlorobenzene, एंड दिस इज 1,3-dichlorobenzene, ओके। सो 1,2 पोजिशन पे और 1,3 पोजिशन पे है, दे विल बी पोजिशनल आइसोमर्स। एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 1-chlorobutane, 2-chlorobutane, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर हेलो एल्केन्स में देख रहे हैं, ऑल्दो propanol 1, propanol 2 ये सब एल्कोहल में भी हो सकता है, एल्कीन में भी हो सकते हैं पोजिशन आइसोमर, तो बट हम केवल वही केस डिस्कस कर रहे हैं जो हेलो एल्केन्स हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक 1-chlorobutane एंड 2-chlorobutane, क्या फ़र्क है इन दोनों में, पता है आपको, ब्रांचिंग जब भरती है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो बॉइलिंग पॉइंट एक्स का वाई से ज़्यादा होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया जो है वो घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा एक्स में होंगे, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आपको पता है कि जो आइसोमर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप जब भी किसी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हो, जनरली क्या डिस्कस करते हो फिजिकल प्रॉपर्टी में, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं, एंड डाइपोल मोमेंट एक्सेट्रा। तो जब भी किसी चैप्टर के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो हम वी विल डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्बिलिटी एंड डाइपोल मोमेंट। सो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा क्यों है, बट शायद आप अवेयर होंगे कि जो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो 1-chlorobutane का बॉइलिंग पॉइंट 2-chlorobutane से ज़्यादा होता है। एंड इस तरह से मेनी मोर एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक बात और है कि दे मीन्स एल्काइल हैलाइड ऑल्सो सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा। एंड स्टीरियो में जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें बहुत फेमस है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर आपने ये सब आप भूल गए हैं, तो इसको हम वापस से जब 11th का रिवाइज करेंगे तो उस समय हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। अभी जो भी इसका एप्लीकेशन इस चैप्टर में, बस उतना देखना है। सो आपको पता है कि इन जनरल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस कंपाउंड में होती है, जहाँ पे कायरल सेंटर होता है, ठीक है।
क्या होता है, कायरल सेंटर। जैसे कि एग्जांपल हम ले इस कंपाउंड का, CH3, CH, Cl, CH2, CH3। सो यू नो कि दिस कार्बन इज अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स। इसको हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, HCl CH2 CH3। सो वन ग्रुप इज क्लोरीन, वन इज हाइड्रोजन, मिथाइल एंड इथाइल। सो दिस इज द कायरल सेंटर। और जनरली जब कंपाउंड में कायरल सेंटर होता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, मींस वो लाइट जब उसमें डाली जाती है, कौन सी लाइट डालते हैं याद है आपको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। तो जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर होता है या जो कंपाउंड कायरल होता है, जब भी एक कार्बन हो तो जनरली वो कायरल ही होता है। कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि दैट कंपाउंड विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन इधर राइट और लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, ठीक है। सो इसमें कायरल सेंटर है तो इस कंपाउंड का हम लोग बना सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन। आपने सुना होगा फिशर प्रोजेक्शन में इस तरीके से वर्टिकल लाइन होती है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर कितने यहाँ पे, 1, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन 1 होगी। अगर कायरल सेंटर 2 होते तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 होती। इसमें टॉप पर आप कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेम चेन है। अदरवाइज मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को या जिसकी IUPAC में प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको टॉप पे रखते हैं। बट आप यहाँ पर जो है वो इथाइल को रख दीजिए, C2H5, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, H और HCl। और फिर इस कंपाउंड का क्या बना दो, मिरर इमेज। जब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये आपको इस तरह दिखेगा, Cl CH3 H और C2H5। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं, किसी को भी आप एक को बोलते हैं डेक्स्ट्रो, जो लाइट को PPL लाइट को पेन प्रोड लाइट को राइट रोटेट करता है। कोई भी हो सकता है क्योंकि ये कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट से आता है। एक्सपेरिमेंट जिसमें करते हैं उसका नाम होता है पोलैरिमीटर। एंड दूसरा क्या हो सकता है आपका, LLivo बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लाइट को लेफ्ट में कर रहा है। सो लेफ्ट में ये क्या होता है आपका, डेक्स्ट्रो। और ये क्या होता है बच्चों, लिवो। इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव साइंस दिखाते हैं। जैसे कि हमारे दो जो हैंड होते हैं वो आपस में मिरर इमेज हैं, तो वो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, सो इसको डिटेल्स हम सीखेंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जो एल्काइल लाइन होते हैं वो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में मेनली ऑप्टिकल शो करते हैं। और ऑप्टिकल कब होती है, जब इसमें कायरलिटी हो, कायरल सेंटर हो। और जनरली जब एक कायरल सेंटर होता है तो वो कंपाउंड कायरल होता है। कायरल का मतलब कायरल सेंटर और कायरल होना बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब एक कायरल सेंटर होता है तो कंपाउंड जनरली कायरल होता है। और जब कायरल होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकल का मतलब लाइट, तो वो लाइट को या तो राइट में रोटेट करता है या फिर लेफ्ट में। ये कैसे पता चले कि कौन राइट कौन लेफ्ट, तो आप क्या कीजिए, उसका फिशर प्रोजेक्शन बना लीजिए इस तरीके से। और उसमें एक कोई डेक्स्ट्रो होगा, यानी कि एक कोई स्ट्रक्चर लाइट राइट में और एक स्ट्रक्चर लेफ्ट में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, इस पेयर को डेक्स्ट्रो लिवो जो आपस में मिरर इमेज होते हैं, इसे हम लोग नाम से बोलते हैं इनेंशियोमर। ठीक है, किस नाम से बोलते हैं, इनेंशियोमर्स। एंड ये जो जो आपस में मिरर इमेज होते हैं ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। मींस डेक्स्ट्रो का लिवो के साथ बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, डेक्स्ट्रो का लिवो से मेल्टिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सॉबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, और डाइपोल मोमेंट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस है इन रोटेशन थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट, एक लाइट को राइट में और एक लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है, बस। ठीक है, तो इसको डिटेल में बाद में और सीखेंगे, पहले हम आगे बढ़ते हैं।
सो वी हैव डिस्कस लिटिल बिट IUPAC नेम एंड आइसोमेरिज्म, राइट। सो अब हमको इस चैप्टर में थ्री पार्ट करने हैं, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन ऑफ एल्काहलाइड, देन वी विल डू फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल डू केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो अभी दिस मच हमको पढ़ना है अभी चैप्टर में, राइट। सो अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काहलाइड, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ एल्काहलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ओके। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्काहलाइड के वेरियस मेथड हैं, जिसमें कि नंबर वन मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम एल्केन्स, और ये भी मेथड आपने बच्चों 11th में पढ़ा था, इसका नाम था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन, या सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम होता है हैलोजिनेशन, ठीक है। सो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इसकी मैकेनिज्म का नाम है, कि जिस मैकेनिज्म से होता है, एंड रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। सो एल्केन ऑन हैलोजिनेशन प्रोड्यूस एल्काइल हैलाइड, फॉर एग्जांपल जिसे आप CH4 लेते हैं, CH4 की रिएक्शन Cl2 से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर। तो यू नो दैट कि जो एल्केन है दे हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, दैट्स वाई रिएक्शन टेक प्लेस इधर इन लाइट और इन हाइट एट हाई टेम्परेचर, बिकॉज यू हैव टू ब्रेक वन सिग्मा बॉन्ड एंड यू हैव टू फॉर्म वन सिग्मा बॉन्ड, तो आपको कुछ ज़्यादा गेन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई। तो CH बॉन्ड आपने एक ब्रेक किया एंड यू गेट CH3Cl प्लस HCl, राइट। सो यू आर ब्रेकिंग वन सिग्मा बॉन्ड एंड यू आर फॉर्मिंग वन सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट, एंड दिस रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, बिकॉज हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन सिग्मा बॉन्ड। देन अगर इसको रिपीट करते हो, कि वापस Cl प्रेशन कराते हो, लाइट तो वही है, सो यू विल गेट वन मोर हाइड्रोजन विल रिप्लेस फ्रॉम Cl, यू विल गेट CH2Cl2 एंड CHCl3 प्लस HCl प्लस HCl एंड अगेन यू मे गेट CCl4 प्लस HCl, ओके। सपोज यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट दिस पोजीशन, मींस आप चाहते हो कि केवल एक हैलोजन ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, तो उस केस में यू हैव टू टेक दिस इन एक्सेस, ओके। सो एक मिनट पहले देखना, जब एक बार हैलोजन जुड़ता है तो यह क्लोरीन जुड़ रहा है यहाँ पर हमने, तो उसका नाम होता है मोनोक्लोरीनेशन, या जनरल टर्म क्या होगा बच्चों, मोनोहैलोजिनेशन। और जब दो Cl जुड़ जाते हैं तो उसका नाम क्या होता है, डाईक्लोरीनेशन, ठीक है। एंड ट्राईक्लोरीनेशन, टेट्राक्लोरीनेशन, इस कंपाउंड के नाम से आप फेमिलियर हो, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ओके। सो मैं अभी क्या डिस्कस कर रहा था, कि CH4 प्लस Cl2 से जब आप CH3Cl बनाते हैं, मीन्स सिर्फ मोनोक्लोरीनेशन करना चाहते हैं, सो आप क्या करें कि इसको एक्सेस में ले लें। जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो सारे Cl2 जो है वो एक ही स्टेप में फिनिश हो जाएंगे एंड मेजर प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा। अगर Cl2 एक्सेस में है तो रिएक्शन बार बार होती रहेगी एंड इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। अगर एक्सेस में है तो फाइनल प्रोडक्ट भी आपको यह मिलेगा, ठीक है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टॉप द रिएक्शन एट फर्स्ट स्टेप ओनली, देन यू टेक एल्केन एक्सेस, सो दैट कि सारे क्लोरीन जो है वो पहले स्टेप में ही ख़त्म हो जाए, ठीक है।
ये आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप में कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एल्केन को एक्सेस में लेना पड़ेगा। अब इसमें देखो डिफरेंट क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स में आते हैं इस रिएक्शन के। सो जैसे कि अगर मैं प्रोपेन लेता हूँ और इसकेशन कराऊँ Cl2-ubilite से, और आपको क्या कराना है, मोनोक्लोरिनेशन मींस वन एच को ही रिप्लेस करना है। यू सी दिस इज अ प्राइमरी कार्बन एंड दिस इज अ प्राइमरी कार्बन एंड दिस इज सेकेंडरी कार्बन, 2 degree, 1 degree, 1 degree। तो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन, दिस इज अगेन प्राइमरी हाइड्रोजन। सो वी हैव वन काइंड ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एंड अदर सेकेंडरी हाइड्रोजन, सो वी विल गेट टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ हैविंग टू डिफरेंट हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट। सो वी विल गेट CH2, CH2Cl + CH3, CH Cl, CH3 + SCl। अब यहाँ पर SCl का लिखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोडक्ट, यू विल गेट टू प्रोडक्ट। ऑल दो इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट मेजर है, बट अभी हम मेजर माइनर नहीं सीख रहे हैं, बट इसमें ये मेजर है। इसी तरीके से अगर बच्चों मैं ये कंपाउंड लेता हूँ CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3, दिस इज द एन पेंटेन, और इसके रिएक्शन में Cl2 से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ UV light, सो यू विल गेट सी these hydrogens are in same environment, these two hydrogen are in the same environment and this hydrogen in the different environment, although ये तीनों carbon जो है 2 degree हैं और ये first और last carbon 1 degree है, but still आप देखो यहाँ से symmetry से draw करो तो आपको ये दोनों carbon same दिखेंगे and this carbon will be same, see ये carbon और ये कार्बन सेम एनवायरनमेंट में है, ओके, एंड दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इन द सेम एनवायरनमेंट, ओके, एंड आप देख सकते हो एंड दिस कार्बन इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी कार्बन, इसलिए यू विल गेट 3 product। क्या मिलेगा, एक बार आप इस एच को रिप्लेस कर दीजिए, एक बार इस एच को, एक बार इस एच को। इसको आप ऐसे समझिए कि इस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है इसके 100 molecules हैं, इस ये जो कंपाउंड है इसके 100 molecules हैं। 100 molecules में कुछ मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा Cl से, कुछ में ये रिप्लेस होगा और कुछ में ये रिप्लेस होगा। सो यू विल गेट 3 product, उनके नेम क्या होंगे, 1 chloropentane, 2 chloropentane and 3 chloropentane। Like that, plus HCl. So 1 chloropentane, 2 chloropentane, 3 chloropentane. ये कौन से isomers हैं? They are positional isomers. So इनकी reaction में generally positional isomers जो हैं वो produce होते हैं. ठीक है? एक example मैं और लूँगा, बहुत ही interesting example है. CH3, CH, CH3 and CH2, CH3। इस कंपाउंड का मोनोक्लोनेशन करना है प्रेजेंस ऑफ UV light। सो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, मोनोक्लोनेशन मीन्स एक एच को रिप्लेस करना है। यू कैन सी दीज टू कार्बन्स आर इन द सेम एनवायरनमेंट, या फिर आप IUPC नेम करके देख सकते हैं, ये कार्बन 3 degree है, यू कैन सी दिस कार्बन इज 3 degree, दिस इज 2 degree and 1 degree, बट ये 1 degree कार्बन इन दो 1 degree कार्बन से डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं आ रही बीच में, मीन्स सेम डिवाइड नहीं हो रहे हैं, सो ये कार्बन इस कार्बन से अलग है। अदरवाइज आप यहाँ पे H हटा के Cl लिख लीजिए, एक बार IUPAC नेम कर लो उसकी, एक बार इन दोनों में किसी H को हटा के IUPAC नेम कर लो, वो प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। ठीक है, सो इन दिस केस यू विल गेट टोटल 4 product।
इन दोनों से एक ही आंसर आएगा. ओके सो लेट मी राइट दिस फोर प्रोडक्ट. ओके सो दीज आर द फोर प्रोडक्ट. मैंने इस एच को रिप्लेस किया है सो ये बन गया. इसका नाम क्या है देखो, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4. दिस इज 1-chloro-3-methyl-butane. 1-chloro-3-methyl-butane फर्स्ट प्रोडक्ट का आईपी नेम है 1-chloro-3-methyl-butane. इसका अगर आप लिखना चाहें तो देखो ध्यान से, काउंटिंग यहाँ से किया 1, 1, 2, 3, 4 राइट. सो दिस इज 2-chloro-3-methyl, 2-chloro-3-methyl, 2-chloro-3-methyl-butane, 2-chloro-3-methyl-butane. ओके और जब इसका आईपीक नेम करेंगे तो यहाँ से सीएल पास पड़ रहा है 1, 2, 3, 4. दिस विल बी 2-chloro-2-methyl. क्लोरो पहले लिखेंगे ना, 2-chloro-2-methyl-butane. एंड द लास्ट 1, 2, 3, 4. सो 1-chloro-2-methyl-butane. ओके 1-chloro-2-methyl-butane हो गया इसका नेम. सो देखो कि इन जो चार स्ट्रक्चर, इन चारों के नेम अलग अलग हैं. सो ये फोर प्रोडक्ट पॉसिबल हैं और इन फोर प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें कायल सेंटर भी है. यू कैन सी दिस प्रोडक्ट हैज कायल सेंटर बिकॉज यहाँ पर एक ग्रुप CH3 है, एक H है, एक Cl है और इतना पूरा आइसोप्रोपाइल. एंड दिस प्रोडक्ट हैज ऑल्सो कायल सेंटर टू पोजिशन पे, CH3, CH2, Cl एंड दिस ग्रुप. सो इन दिस केस यू विल गेट फोर प्रोडक्ट. और अगर मैं आपसे पूछूं CH3, CH3, CH3 इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, नियोपेंटेन. दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन Cl2UV-lite. अब ये चारों CH3 सेम एनवायरनमेंट में हैं, CH3, CCH3, CH3 and CH2Cl plus HCl. दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इसका नाम है नियोपेंटाइल क्लोराइड. नियोपेंटेन से क्या बनेगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड. सो दिस विल गिव ओनली वन प्रोडक्ट. ठीक है सो एट लास्ट ये क्वेश्चन दे रखा है NCERT में कि C5H12 के कौन से आइसोमर्स हैं जिसकी रिएक्शन Cl2UV-lite से की जाए सो एक प्रोडक्ट देगा. थ्री प्रोडक्ट देंगे और चार प्रोडक्ट देंगे तो कौन सा आइसोमर एक प्रोडक्ट देता है, नियोपेंटेन. इसका एक स्ट्रक्चर ये बनेगा CH3, CH3 एंड CH3. ये इसका स्ट्रक्चर एक प्रोडक्ट देगा CH3, CH2, CH2, CH3. ये स्ट्रक्चर थ्री प्रोडक्ट देगा एंड CH3, CCH3, CH2, CH3. ये स्ट्रक्चर फोर प्रोडक्ट देगा. इस तरह है तो क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ. ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिकुलर फॉर्मूला विच गिव फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच गिव फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. वन प्रोडक्ट, ठीक है, वन प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट एंड थ्री प्रोडक्ट, सॉरी वन प्रोडक्ट, थ्री प्रोडक्ट एंड फोर प्रोडक्ट. ओके ए बी सी.
सो अगेन थ्री एंड ये फोर था. ओके सो वन प्रोडक्ट ये स्ट्रक्चर देगा, थ्री प्रोडक्ट ये स्ट्रक्चर देगा और फोर प्रोडक्ट ये स्ट्रक्चर देगा. क्लियर एकदम. नाउ कम टू सेकेंड मेथड, दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स. फ्रॉम एल्कीन्स. ओके सो फ्रॉम एल्कीन्स में जब हैलोजन ऐड करते हैं तो उसका नाम भी क्या होता है, हैलोजिनेशन. इसमें डायरेक्ट हैलोजन ऐड कर सकते हैं सिर्फ X2 और या फिर HX ऐड कर सकते हैं. ठीक है सो एडिशन ऑफ X2 कॉल्ड हैलोजिनेशन एंड एडिशन ऑफ HX इज कॉल्ड हाइड्रोहैलोजिनेशन. बिकॉज इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ऐड हो रहे हैं, हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन राइट. सो इसमें एडिशन होता है, यू नो दैट कि एल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ हैविंग पाई बॉन्ड. एडिशन रिएक्शन दे गिव एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ हैविंग पाई बॉन्ड. ओके पाई बॉन्ड होने की वजह से ये जनरली एडिशन रिएक्शन देते हैं. मल्टीपल बॉन्ड है इसमें, देखो ध्यान से. जैसे मैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू में एच बी आर को ऐड करूँ, ठीक है. सो सिंपल, एक कार्बन पे आप एच जोड़ दीजिए और एक पर ब्रोमीन को जोड़ दीजिए, यू विल गेट सी एच थ्री सी एच टू बी आर. इसका नाम क्या है, वन ब्रोमो इथेन. वेरी सिंपल रिएक्शन. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. सो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच बी आर. सो इन दिस केस दिस एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन. एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब आप एडिशन करते हैं सो यू नो कि वी फॉलो मार्कोनिकोफ रूल्स. ओके हम मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करते हैं. स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना बच्चों. सो इसमें क्या करते हैं, दिस इज द रिएजेंट, दिस इज द रिएजेंट जो ऐड हो रहा है उसका नाम क्या है, रिएजेंट. द मोर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है मार्कोनिकोफ रूल में जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एच बी ऐड करते हैं तो मोर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. So this will be the major product. ये इसका major product है. And plus CH3, CH2, CH2 Br. अगर आप यहाँ पे Br ऐड करते हैं that will be minor product. यहाँ पे CO. ठीक है. So आप इस पे इसे aware हैं. मैं इसको एक बार mention कर देता हूँ. During addition in unsymmetrical alkene, more negative part of reagent attached to that carbon which has less hydrogen. Okay, so इस तरीके से आप कर सकते हैं. जैसे कि CH3 C CH3 double bond CH2 and HBr. So CH3 C CH3 Br and CH3. So यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, जीरो. इस पर हाइड्रोजन कितने हैं, टू. सो बी आर विल एड टू दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन टू दिस कार्बन. करेक्ट. अगेन अगर सेम रिएक्शन हम लोग एच बी आर से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड. जनरली परऑक्साइड में क्या लेते हैं आप लोग, बेंजोइल परऑक्साइड राइट. दिस वन सी सिक्स एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी सिक्स एच फाइव. ऑल्दो आपको रिएक्शन में सिर्फ परऑक्साइड मेंशन करना होगा. सो परऑक्साइड की केस में वी फॉलो एंटी मार्कोनिकोफ रूल.
ओके okay? इस रूल में क्या होता है, देखो एंटी रूल है, मींस इस बार नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन विल ऐड टू दैट कार्बन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, ठीक है। एंड अगर हम लोग एल्कीन में डायरेक्टली Br2 ऐड करते हैं इसको रिएक्टेंट को पास लाने के लिए, दिस इज अ लिक्विड रिएक्टेंट को पास लाने के लिए हम CCF4 सॉल्वेंट लेते हैं जिससे कि ये बिल्कुल पास आते हैं, कोलिजन हो जाता है एंड Br ऐड हो जाता है, Br इस पोजीशन पे एंड यहाँ पर। आपको पता है जब एडजेसेंट पोजीशन पे सेम ग्रुप होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विशनल या वीक फॉर्म, ठीक है। जब कभी आपको इस तरह प्रोडक्ट मिले, यहाँ पर से इस तरह मिल जाए तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे Br है, इसे बोलते हैं जिमिनल या जिम फॉर्म, ओके जिमिनल। ये दोनों आपस में क्या है, दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स 1,2 डाइब्रोमो इथेन 1,1 डाइब्रोमो इथेन, लाइक दैट। सो एल्कीन से हो गया प्रिपरेशन, ओके बच्चों। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स हैज फंक्शनल ग्रुप OH, राइट। एंड आप एल्कोहल से अगर आप एल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हैं देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिप्लेस दिस OH फ्रॉम X, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट सर्टेन मैकेनिज्म है, यू कैन डू दिस, यू कैन रिप्लेस OH फ्रॉम X। सो कैसे, ऑन रिएक्टिंग एल्कोहल विद SOCl2, SOCl2 इज अ थायोनिल क्लोराइड, एंड देखो ये एल्कोहल है, इस क्वेश्चन हमने करा दी SOCl2 से। सो सिंपली इन सिंपल वे वी कैन से कि इसके पास 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन ने इसको रिप्लेस कर दिया, बट मैकेनिज्म इज़ वेरी डिफरेंट। इसकी मैकेनिज्म जो होती है उसका नाम होता है SNI मैकेनिज्म, जो कि हम एट द लास्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम SNI या SNI क्या होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो 2 Cl में से 1 Cl ने इसको रिप्लेस कर दिया, सो यू गॉट दिस Cl। नाउ जो 1 Cl बचा है वो LCl, अनदर Cl जो है वो OH के H के साथ HCl बना ले रहा है। एंड दिस मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बिकॉज, अच्छा दिस इज गुड फॉर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑल्सो। सो इसमें क्या है कि 2 एस्केपेबल गैसेज बन रही हैं, SO2 गैस भी बाहर निकल जाएगी और HCl गैस निकल जाएगी एंड यू विल गेट प्योर एल्काइल क्लोराइड। सो द गुड मेथड एज एस्केपेबल गैसेज आर फॉर्म्ड। और नेक्स्ट मेथड है बाय एडिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PClF5। इसमें क्या होगा, नाउ सॉरी दिस इज द OH, नाउ इसमें क्या होगा, 1 OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, 1 OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl एंड यू लेफ्ट विद 4 Cl हियर। नाउ 4 Cl में 1 Cl ने H के साथ क्या बना लिया, HCl, एंड 3 Cl बचे, एक ऑक्सीजन, तो POCl3 हो गया, विच इज अ सॉलिड, दिस इज अ गैस। सो यू गेट अ मिक्सचर, दिस इज अ गैस, यू गेट अ मिक्सचर, सो विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, दैट्स व्हाई फर्स्ट मेथड इज प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्काइल क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट मेथड, सॉरी नेक्स्ट रिएक्शन है बाय रिएक्टिंग एल्कोहल विथ एनी Br एंड डायल्यूट H2SO4। By reacting alcohol with NaBr and dilute H2SO4, so this is alcohol, NaBr and dilute H2SO4. So this reaction completed in 2 steps. In first step, क्या होता है, NaBr react with H2SO4, and this is the double displacement type of reaction. You can see कि जो इसके पास 2 hydrogen है, उसने एक Br से मिलकर के बना लिया HBr, and then 1 hydrogen यहाँ पे देखो बच गया, इसका नाम है sodium hydrogen sulfate. And जो HBr बना है, it react with alcohol and remove water like this plus water, ठीक है।
इन द सेम बाय द सेम रिएक्शन यू कैन नॉट प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड मींस यहां पर आई प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं व्हाई तो देखो मैंने यहां पर नोट लिखा है कि बाय द सेम रिएक्शन dilute H2O4 cannot be used along with KI means KI लो या फिर NaI लो बच्चों यहाँ पर आप NaI ले लें तब भी ये रिएक्शन नहीं हो सकती है सो मैं फिर से स्टेटमेंट पढ़ता हूँ dilute H2O4 cannot be used along with KI for the preparation of alkyl iodide because अगर मैं लेता हूँ KI तो पहले KI H2SO4 से रिएक्ट करेगा एंड वी विल गेट KHSO4 प्लस HI राइट नाउ दिस HI जो है ये इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं H2SO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे जो HBr बनाता है इट इज अ poor reducing agent than HI with respect to HI it is a poor reducing agent so इसलिए इसने H2SO4 से react नहीं किया but HI और H2SO4 reaction fast होती है और HI की यहाँ पर जो HI में जो oxygen की iodine की oxygen state -1 है it convert into 0 so I2 बन गया now this I2 will not react with the alcohol so reaction is not possible तो क्या देख रहे हो आप कि जैसे HI बनता है दिस HI रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ H2SO4 सो कैसे लिखोगे आप कि डाइल्यूट H2SO4 कैन नॉट बी यूज अलॉन्ग विद KI फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड बिकॉज एज HI इज फॉर्म्ड इट रिएक्ट विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ H2SO4 एंड कन्वर्ट इनटू आयोडीन विच विल नॉट रिएक्ट विद द एल्कोहल ठीक है अब अभी फोर्थ मेथड में अल्कोहल के साथ फोर्थ मेथड को देखने के लिए दिस इज थर्ड सेकंड दिस इज थर्ड वन फ्रॉम अल्कोहल ठीक है फोर्थ मेथड को देखने से पहले एक चीज देखो बच्चों यू नो कि अल्कोहल के साथ हमें OH को रिप्लेस करना होता है हैलोजन से बट दिस लेट मी राइट लाइक दिस आर CH2OH. So to replace this OH group from halogen is a difficult task because carbon-oxygen bond is very stable. ये बहुत stable है and इसकी bond energy भी क्या है high है. So how can you replace this OH group? अच्छा एक बात और OH is a bad leaving group means इसको replace करना difficult है तो how can you make it a good leaving group इसलिए देखो क्या करते हैं अगर little bit हम इसकी mechanism देखें जिसे मान लो मुझे HBr station करानी है तो simple way में हम कह देते हैं कि water निकल गया but what will happen कि HBr break into H plus and Br minus ठीक है so this alcohol takes H plus from Br minus because it has a lone pair and you will get RCH2O plus H and H ठीक है ये H कहाँ से आया है ये वाला H है now जो bad leaving group था OH now it become good leaving group कैसे अब इसका heterolytic fusion हो गया इस तरीके से you can see heterolytic fusion हो गया and you will end with this carbocation and water Now this carbocation में आप क्या ऐड कर सकते हो Br minus and you will get RCH2Br और आप ऐसे कर सकते हो कि RCH2OH2 plus अब Br minus